नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। सांची कंपनी के दूध में प्लास्टिक मिले होने की शिकायत को लेकर आज प्रबुद्ध नागरिक जन सुनवाई पहुंचे। आम जनमानस सांची दूध कंपनी सांची के दूध को सबसे अच्छा मानते हैं। वहीं देवेंद्र श्रीवास्तव ने इस दूध की मलाई इकट्ठा करके जब गर्म किया तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ प्लास्टिक के तत्व हैं। इसी बात को उन्होंने अपने सहयोगियों को भी बताया, जिसको लेकर सभी इकट्ठा होकर आज जन सुनवाई पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि सांची के दूध में प्लास्टिक मिला हुआ है। कलेक्टर वी दत्ता ने दूध के सैंपल लेकर उसे लैब टेस्ट के लिए भेज दिया है। अब जाँच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि वाकई दूध में प्लास्टिक है या नहीं। पहले भी कई बार सांची के दूध को लेकर कई बार शिकायतें आ चुकी हैं। उसमें भी कई तरह के केमिकल डाले जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। हम जो है ये सांची का दूध खरीद के लाते हैं और इसकी जब मलाई इकट्ठी हो जाती है दो तीन दिन में तो इसको गर्म करते हैं। तो इसमें अभी ये बीच में जैसा अभी आपको बताया ये इस टाइप के प्लास्टिक के संभावित ऐसा है कि प्लास्टिक के टुकड़े जैसे लगे। तो मैंने पुष्पराज जी से कहा भाई ये देखो यार इसमें अपन कलेक्टर साहब को देते हैं, आपको बताया तो उन्होंने कहा चलिए अपन देते हैं, इसको नुकसान करेंगे। ये शासन की चीज़ अगर यही गड़बड़ निकलने लगी तो हम किस पर भरोसा करें, आप बताइए। और इसलिए हम जिलाधीश महोदय के पास जन सुनवाई में आए हैं, श्रीमान को अवगत करा दें फिर ताकि जैसा उचित समझे वो कानूनी कार्रवाई। सड़क सुरक्षा सप्ताह 23 अप्रैल से शुरू हो गया है। आज उसी के दूसरे दिन फोटो व बैनर लगाए गए जिन पर दो पहिया और तिपहिया वाहन चालकों के लिए संदेश लिखे हुए थे। इन संदेशों में शराब पीकर गाड़ी न चलाना, अपने दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी न बैठाना, हेलमेट पहनना आदि लिखा हुआ है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले दिन नानाखेड़ी मंडी पर रिफ्लेक्टर लगाए गए थे जो की आज शाम से दोबारा लगाए जाएंगे। अभी 23 अप्रैल से सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात सप्ताह चल रहा है, उसके तहत कल हमने नानाखेड़ी मंडी में जितने भी ट्रैक्टर ट्रॉली है सब पर रिफ्लेक्टर लगाए थे। आगे पीले रिफ्लेक्टर और पीछे लाल रिफ्लेक्टर लगाए गए। अभी ऑटो पर बैनर लगाए जा रहे हैं जो कि चालकों की सुरक्षा और राहगीरों की सुरक्षा से संबंधित है। इसके बाद पुनः नानाखेड़ी मंडी में ही लगाए जाएंगे रिफ्लेक्टर। भदौरा के रहवासी पहुंचे जन सुनवाई लेकर अपनी शिकायतें। रहवासियों की माने तो उनके क्षेत्र में करीब 150 लोग कच्चे मकानों और झोपड़ियों में रहते हैं, वहीं केवल कुछ ही लोगों के लिए कुटीर निर्माण कराए गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द कुटीर उपलब्ध कराए जाएं। इससे पहले भी ये लोग जन सुनवाई में कई बार आवेदन दे चुके हैं पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है हमारे 6 आदमी को कोटे मिले, 150 का घर ऐसे ही है आबादी में, झोपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा, डेढ़ घर कुल कितने घर हैं? 150 घर है हमारे, 150 घर है। कोटे कितने को मिले? 6 आदमी मिले, 6 बाकियों को नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। तो इसकी क्यों नहीं मिली, इसकी शिकायत आपने पहले करी? अभी आए, हम इंतजार में थे हम लोग। एक बार और शिकायत की तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारे। प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत लगने वाली जनसुनवाई को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब से जनसुनवाई कक्ष में बिना अनुमति कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा, न ही अब कोई फोटो ले सकेगा, न ही वीडियोग्राफी कर सकेगा। समझ से परे है कि इस तरह के आदेश का क्या औचित्य है। Thank you.
बीमा राशि के लिए 9 माह से भटक रहे ग्रामीण झागड़ से आए किसानों ने अपना दर्द कलेक्टर से साझा किया। उन्होंने बताया कि 9 माह पूर्व उनकी बीमा राशि आ चुकी है और बैंक कर्मचारियों ने लिस्ट में गड़बड़ी कहकर पैसा देने को मना कर देते हैं। किसानों की माने तो उनकी बीमा राशि 78 लाख रुपए है जो कि बैंक में जमा हो चुकी है। अब 27 अप्रैल को किस्त का आखिरी तारीख है, इसके बाद उन्हें ये राशि नहीं मिल पाएगी। बैंक में जमा इन किसानों के पैसे का ब्याज कौन और किसके खाते में जाएगा जो 9 माह पहले ही आ चुके हैं। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद अब देखते हैं कि इन किसानों के पैसे कब तक मिल पाएंगे। ये आ रही है, करीब फसल का बीमा आया था जिला सहकारी बैंक में जो हमें नहीं मिल पाया है आज दिनांक तक। बैंक वाले बढ़ा रहे हैं, बैंक वाले कर्मचारियों की गलती से जो बीमा कंपनी और बीमा दे चुकी, बीमा कंपनी से बीमा चुका है, बैंकों ने बीमा नहीं दिया है। क्यों नहीं दे रहे हैं वो बता रहे हैं कि हमारी लिस्ट में गलती है, उसको सुधार कर डालेंगे। और उसको 9 महीने 140 किसान परेशान है इससे। करीबन कितना बीमा है? 78 लाख 51 हजार 103 रुपये 11 रुपये। सर हमारी फसल बीमा आया था वो 9 महीने से इनने हल्का रखा है बैंक वालों ने। बीमा कंपनी इनको बीमा राशि दे चुकी है बैंक कोऑपरेटिव बैंक में, इनने बैंक वालों की लिस्ट गड़बड़ बता के अभी तक बीमा नहीं दिया। और बीमा राशि हमारी 27 अप्रैल लास्ट डेट है, इसके बाद हम ओवरड्यू हो जाएंगे और हमारी राशि अभी तक नहीं। तो करीबन कितनी राशि है आपको? 78 लाख रुपए हमारी राशि है लगभग। कितने लोगों की है? 340 लोग हैं किसान। सरपंच के होते हुए भी सरपंच के पास नहीं है कोई पावर, ना वो किसी कागज पर साइन कर सकता है, ना ही कोई पेमेंट निकाल सकता है, ना ही सरपंच को पता है कि कब कौन सी मीटिंग है। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत क्षेत्रपाल जनपद पंचायत आरोन की, जहां के रोजगार सहायक और हरि सिंह रघुवंशी नामक व्यक्ति ने पूरी की पूरी पंचायत पर मानो कब्जा कर रखा है, ऐसा कहना है ग्राम पंचायत क्षेत्रपाल के सरपंच चन्ना का। आज इसी बात की शिकायत को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच पहुंचे जन सुनवाई में। सरपंच की माने तो हरि सिंह रघुवंशी ने सरपंच का खाता बैंक में खुलवाया था, उसके बाद उसकी हस्ताक्षर की हुई चेक बुक उसने रख ली। इसके साथ ही वह सरपंच को धमकी भी देता है कि यदि शिकायत की तो उसके चेक कोर्ट में लगवा देगा। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन इस सरपंच की शिकायत का क्या निराकरण करता है। से आया सर, हमारी सरपंच की फर्जी चल रही है, हरि सिंह रघुवंशी कर रहा हूँ। क्या फर्जी? सम्मान कुछ नहीं कराता है सर, कोई शान कर लेते हैं, कोई पैसे निकाल रहा है, कोई काम कर रहा है। अच्छा, कोई काम नहीं करवा रहा हूँ? नहीं, कोई काम नहीं। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? वो सब कोई काम नहीं कर रहा, आपको पता नहीं पड़ा था। पूरा पैसा भी खुद ही रख रहा है? पैसा को तो कोई निकाल रहा, कोई कर रहा हूँ, मुझसे 77 लाख। आप कौन है? और मैं सरपंच क्षेत्रपाल। अच्छा, क्षेत्रपाल पंचायत। अच्छा अच्छा, तो आपसे पूछते नहीं है वो कुछ भी? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछते। क्या कह रहे हैं? और आपसे ये कह रहे हैं रिपोर्ट वापस करते हैं। अच्छा हाँ, तो शिकायत क्यों करेंगे? पैसे ही मांगते हैं आपसे? पैसे भी मांग रहे हैं, 5-7 कपड़े। कितने पैसे? 7 लाख रुपये मांग रहा हूँ। क्यों मांग रहे हैं, किस बात के? क्यों शिकायत क्यों करेंगे? वापस कर लेंगे, तो पटवारी संघ अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देने पहुंचा। वर्षों से लंबित अपनी मांगों को ना मानने के चलते पटवारी संघ ने आगामी दिनों में प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किए जाने की बात भी कही। पटवारी संघ की प्रमुख मांगे हैं कि उनके मानदेय में जो विसंगतियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए। इसके साथ ही पटवारी के पद को तकनीकी पद घोषित किया जाए। इसके अलावा और भी मांगे लेकर ज्ञापन दिया गया। इसके साथ ही 16 मई से क्रमबद्ध आंदोलन भी चालू किया जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना अधिकार। और नारे लगा था अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन डिपार्टमेंट द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, विषय मध्य प्रदेश पटवारी संघ की वर्षों से लंबित मांग बनवाकर नहीं बढ़ता तक ज्ञापन पढ़ाने लगातार ले रहे भी नहीं। आज मध्य प्रदेश
पटवारी संघ की आह्वान पर विगत वर्षों से हमारी पटवारी संघ की मांगों का निराकरण न होने से आज चरणबद्ध आंदोलन के संबंध में आज ये ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साहब के नाम। इसमें हमारी निम्न मांगे हैं जो वर्षों से लंबित है, उन्हीं के संबंध में ज्ञापन आज दिया जा रहा है। नंबर एक हमारी पहली मांग है वेतन विसंगति, जो हमारा ग्रेड पे 2100 है आज वर्तमान में उसे 2800 किया जाए। दूसरी मांग हमारी तकनीकी पद मध्य प्रदेश के पटवारियों का तकनीकी पद घोषित किया जाए। तीसरी है महिला पटवारियों का अन्य जिलों में स्थानांतरण किया जाए। चौथा है बेब GIS जो कि इस जिले में तो नहीं बाकी हमारे सभी जिलों में वो चल रहा है, उसका सरलीकरण किया जाए। एवं विभागीय परीक्षा, सभी पटवारियों की अभी लगभग 20 वर्षों से कोई पटवारी विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की है, उसमें प्रमोशन के हेतु ये पटवारी से RI के लिए विभागीय परीक्षा जल्द आयोजित की जाए, ये हमारी मांगे हैं। अगर ये इसके संबंध में हमने आज ये ज्ञापन दिया गया है, सबसे पहले आज का हमारा उद्देश्य मेन ये है कि समस्त मध्य प्रदेश के पटवारी 23 तारीख को सभी जिलों में ज्ञापन हो चुका है, क्रमबद्ध आंदोलन है उसके संबंध में 16/5 को समस्त पटवारी भोपाल में रैली आयोजित करेंगे एवं CM साहब का घेराव करेंगे। अगले चरण में 1/6/18 से 15/6/18 तक अर्जित अवकाश पर रहकर और अर्जित अवकाश पर रहेंगे एवं 18/5/18 से और 31/5/18 तक अतिरिक्त हलकों का परित्याग करेंगे। एवं अगर इसके बाद भी मांगे नहीं मानी जाए तो फिर मध्य प्रदेश पटवारी संघ अनिश्चित आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। SUCI ने अपने 71वें स्थापना दिवस पर नगरपालिका के सामने लगाई किताबों की प्रदर्शनी। 24 अप्रैल 1948 को SUCI की स्थापना हुई थी। बढ़ते अपराधों के मद्देनजर SUCI देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। आज की किताबों की प्रदर्शनी के माध्यम से कम्युनिस्ट विचारधारा और साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाना है। आज शाम को 4 से 7 तक जस्टम चौराहे पर और हनुमान चौराहे पर पार्टी का जो साहित्य है की क्रांतिकारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के का आज 71वां स्थापना दिवस है। हनुमान चौराहे जस्टम चौराहे शहर के अलग अलग इलाकों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज स्थापना दिवस पर आज क्रांतिकारी पार्टी SUCI कम्युनिस्ट का 71वां स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 24 अप्रैल 1948 में कुछ लोगों के साथ ये पार्टी का गठन हुआ था और आज पूरे देश भर में ये पार्टी फैल चुकी है। हम लोग पूंजीवाद विरोधी समाजवादी क्रांति की लाइन को लेकर देश भर के अंदर आंदोलन विकसित कर रहे हैं। तमाम जो समस्याएं हम देख रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, अश्लीलता, अपसंस्कृति, महिलाओं बच्चों को जो अपराध बढ़ रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम पूरा देश भर के अंदर SUCI पार्टी के द्वारा आंदोलन गठित किया जा रहा है। और आज इसी 24 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 2 जगह पर बुक स्टॉल का कार्यक्रम रखा गया है। पार्टी का जो साहित्य है, जो विचारधारा है, वो जनता तक पहुंचे, जनता को हम संगत कर पाएं, इस उद्देश्य से हम लोग ये बुक स्टॉल आज हमने लगाई। मकसूदनगढ़ में हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि रही चाचौड़ा विधायक ममता मीना। विवाह समारोह में 113 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। वहीं चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को धन्यवाद कहा और वर वधु को आशीर्वाद के साथ साथ सरकार से मिलने वाली सहायता राशि भी वर वधु को दी। वहीं जिला सदस्य भगवती देवी यादव ने भी वर वधु को आशीर्वाद दिया व वर वधु के पैर पूजे। इसके साथ ही महिला पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश सदस्य पूजा सोनिया ने भी वर वधु के अच्छे जीवन की कामना की। वहीं जनपद पंचायत सदस्य विमलेश कुशवाहा सहित तमाम BJP कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। पूजा पंचायत सदस्य हमारी विधायक महोदय का स्वागत करेंगी। सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो सराहनीय प्रयास किया है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आज ये सामूहिक विवाह सम्मेलन एक अच्छे जोड़ों के साथ में और एक श्रीपुरा में, ये श्रीपुरा के ननखेड़ा ऐसे अलग अलग स्थानों पर सामूहिक विवाह सम्मेलन होते रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक 10 लाख से ऊपर कन्याओं के जो पीले हाथ किए, आज तक जितनी भी मध्य प्रदेश में सरकारें रही है, लेकिन इतना बड़ा काम कि कन्याओं के हाथ पीले करने वाला ये सरकार ने पहली बार, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये पहली बार इतना बड़ा निर्णय लिया। वाकई में
गरीब व्यक्ति बड़े भव्य रूप में अपनी बेटी की विवाह नहीं कर सकता, उसको दहेज भी नहीं दे सकता। आज 17,000 का चेक और 3,000 रुपए मोबाइल, 20,000 का चेक और 5,000 का दहेज का सामान, उसकी गृहस्थी के लिए 25,000 के लिए 25,000 का जो दहेज टोटल दिया जाता है वो वाकई में उसकी गृहस्थी के लिए बहुत है। और उसके अलावा भव्य रूप में सामूहिक विवाह सम्मेलन, उसके वर पक्ष और वधु पक्ष से जितने भी लोग आए, इतनी बड़ा जो है कि ये महाकुंभ जैसा लग रहा है ये सामूहिक विवाह सम्मेलन, इतना बड़ा सामूहिक विवाह सम्मेलन वाकई में अगर कोई कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही कर सकते हैं। इसलिए मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ। यहाँ के कार्यकर्ताओं में और वर और वधु के पक्ष में जो एक उत्साह का वातावरण देखा जा रहा है, वाकई में एक सराहनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये मध्य प्रदेश के अंदर ये इतिहास में एक इतना बड़ा काम कर दिया, जैसे कहते हैं ना मामा उनके बच्चे जो होंगे वो वाकई में अपनी बेटियों के लिए जो एक भाई करता है और भांजियों के लिए एक मामा करता है, वही वाला काम माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और वर और वधु को अपनी ओर से शुभ आशीर्वाद। नए दंपत्य जीवन की शुरुआत करने वो जा रहे हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने आपको नए जीवन का कदम रखने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जैसे एक पुनित योजना चलाई है। पुनित आज इस पुनित योजना के माध्यम से अपने जीवन की हमारे ये नव दाम्पत्य हमारे जो जोड़े हैं वो अपने अपने जीवन में कदम रख रहे हैं। उनके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई दुख तकलीफ उनके घर में कभी ना, सुख शांति सुख संपत्ति उनके घर में आके स्थापित हो। साक्षात लक्ष्मी के रूप में हमारी ये बहुएं अपने ससुराल में जा रही है और उसमें वो लक्ष्मी के रूप में जैसे लक्ष्मी प्रकाशित है घर के अंदर करती, इसी तरह से प्रकाशित हमारी ये बेटियां करेंगी। यही शुभ आशीर्वाद। 113 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। मैं सभी नव विवाहित जोड़ों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। यहाँ ग्राम पंचायत नलखेड़ा के श्रीपुरा ग्राम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत जो सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसमें 113 जोड़ों को सामान और वधु वर पक्ष को दोनों को दिया जा रहा है। राघोगढ़ जनपद का ये पहला सबसे अधिकतम जोड़ों का सम्मेलन आयोजित हुआ है आज 24/4/2018 को और आप सभी के सहयोग से सम्मेलन करने में सफल। मकसूदनगर से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। कैंट थाना अंतर्गत कल रात में हुई 3 वारदातें, अचानक से एक ही रात में हुए घटनाक्रम को शहरवासी कैंट थाना प्रभारी की रवानगी से जोड़कर देख रहे हैं। पहले भी देखा गया है कि जब भी किसी थाना प्रभारी को इस तरह से विदा किया जाता है तो अचानक ही अपराधी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है। कल देर रात 8-9 लोगों के द्वारा एक दंपत्ति को लूटना भी उसी की प्रतिक्रिया थी। हालांकि इन घटनाओं के बारे में पुलिस की तरफ से कैमरे के सामने कोई भी बात नहीं कही गई, बल्कि यह जरूर बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के सख्त आदेश हैं कि किसी भी तरह से किसी भी अपराधी को बख्शा ना जाए। डीजी आना न्यूज में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।